ओम जी माम जी माम बिंग बिंग बो तुम सस्ते न से तार ची बत्ते छाती से ओम जी माम जी माम बिंग बिंग बो। हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे माइनक्राफ्ट कॉमेडियन जुड़े कॉमेडी की न्यूज़ है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहना एंड आल्सो अगर तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही तुम लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाता रहता हूँ। ओके, सबरतम ने पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं बिक्सू के बारे में। तो जैसा कि ऑलरेडी यार मैंने तुम्हें कुछ प्रीवियस वाली न्यूज वीडियोस में बताई रखा है कि बिक्सू का न्यू म्यूजिक वीडियो हमें काफी जल्दी देखने को मिलेगा, बट बिक्सू के साइड से हमें कोई अपडेट नहीं मिला था कि उनका न्यू सॉन्ग कब तक आएगा। तो ऑल्सो फाइनली यार बिक्सू ने अपने म्यूजिक वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट किया जिसमें तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि इस पोस्टर में लिखा हुआ है एरिया सी, एंड मोस्ट प्रोबब्ली यार बिक्सू के न्यू सॉन्ग का नाम एरिया सी होने वाला है। एंड जैसा कि यार मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि बिक्सू ने कोई अपडेट वगैरह नहीं दिया था इस सॉन्ग के रिलेटेड कि कब तक आएगा ये सॉन्ग, और ऑल्सो ये सॉन्ग इतना ज्यादा लेट क्यों हो रहा है। तो ऑल्सो इसी रिलेटेड वो अपडेट देते हैं, एंड उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं ईपी इसकी वजह से डिले हो रही है, मारो भाई को। तो या मोस्ट प्रोबब्ली यार ये जो है उनका एडिटर होगा, यानी कि म्यूजिक एडिटर जो कि सॉन्ग्स वगैरह बनाता होगा। तो या इसके रिलेटेड मेरे को और भी कुछ अपडेट वगैरह मिलेगा कि बिक्सू का सॉन्ग कब तक आएगा तो मैं तुम लोग को यार जरूर बता दूंगा। ऑल्सो अगर बिक्सू के बारे में बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं खतरनाक ईशान के बारे में। तो एक बंदा यार जो कि एकदम बिक्सू की तरह लगता है। तो ऑल्सो ऐसे कुछ रील को शेयर करते हुए खतरनाक ईशान ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर में एक स्टोरी डाली जिसमें वो कहते हैं बिक्सू ये सब क्या है। तो तुम लोग देख ही पा रहे होगे ये वाला बंदा यार एकदम सेम टू सेम बिक्सू की तरह लगता है। बाकी तुम्हारा क्या कुछ कहना है इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल्सो नेक्स्ट न्यूज भी खतरनाक ईशान से रिलेटेड है। तो खतरनाक ईशान ट्विटर के एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर में रिएक्ट करते हैं। तो अगर तुम्हें नहीं पता इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में तो मैं तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो शाहरुख खान एंड ऑल्सो विराट कोहली ये दोनों ही लोग यार फैंस आपस में लड़ रहे हैं कि कोई एक बोल रहा है कि शाहरुख खान इंडिया का किंग है एंड ऑल्सो कुछ एक बोल रहा है कि विराट कोहली इंडिया का किंग है। तो तुम कॉन्टेक्स्ट समझ गए होगे कि ये वाली लड़ाई क्यों हो रही है ट्विटर पे। तो ऑल्सो इसी कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर में खतरनाक ईशान रिएक्ट करते हैं, एंड खतरनाक ईशान एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं टॉक्सिक फैन बेसेस आर वियर्ड मैन, दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद अदर टॉक्सिक फैन बेस फॉर एनी रैंडम रीजन, जस्ट सॉ सम पीपल फाइटिंग बिटवीन विराट कोहली एंड एसआरके विदाउट एनी लॉजिक। तो ऑल्सो इसी वाले ट्वीट के नीचे में एक रैंडम बंदा खतरनाक ईशान को रिप्लाई करता है जिसमें वो कहता है आई विल एडवाइज यू टू स्टे अवे फ्रॉम क्रिकेट ट्विटर एंड यू हैवंट सी टॉक्सिसिटी इन क्रिकेट ट्विटर। तो ऑल्सो इसी वाले ट्वीट के नीचे में खतरनाक ईशान भी उस बंदे का रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं लेकिन क्रिकेटर्स के बीच में और टीम्स के बीच में होगी लड़ाई तो समझ भी आएगा थोड़ा लॉजिक, यहाँ तो समझ ही नहीं रहा लॉजिक। बाकी तुम्हारा क्या कुछ कहना है यार इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सबरतम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं गेमिंग इंसेक्ट्स के बारे में। तो तुम इन्हें जानते होंगे बहुत ज्यादा पॉपुलर माइनक्राफ्ट यूट्यूबर हैं, एंड ऑल्सो आज इनके चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। सो ऑल्सो इसी के ऊपर में यार गेमिंग इंसेक्ट्स रिएक्ट करते हैं, एंड वो क्या कुछ कहते हैं तुम लोग खुद ही देख लो। यो गाइस, फाइनली हम लोगों ने 500,000 सब्सक्राइबर कर लिया है, मतलब 500 के सब्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है जस्ट अभी हुआ है। थैंक यू सो मच तुम सबको भाई, हम लोग कहां थे और आज कहां पे पहुंच चुके हैं 500,000। बस कुछ ही टाइम है, आई मीन और 500,000 सब्सक्राइबर फिर हम लोग भी 1,000,000 गाइस पहुंच जाएंगे। सो हां, हम लोग जल्दी 1,000,000 आएंगे, तो जल्दी से करो सब्सक्राइब, 1,000,000 पे तो कुछ होने वाला है। सो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं यसस मडपाई के बारे में। तो यसस मडपाई को एक काफी बड़ा सरप्राइज मिल गया। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो एक बंदा था जिसने यार यसस मडपाई को रोड पे ही सरप्राइज कर दिया उनके स्केच के साथ में, एंड तुम लोग देख ही पा रहे होगे यही वाला स्केच था। एंड ऑल्सो वो बंदे ने यार एक इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी उसी चीज को शेयर करते हुए जो कि काफी तगड़ा था। तो ऑल्सो उसी वाले रील को यार शेयर करते हुए यसस मडपाई ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर में एक स्टोरी डाली, एंड वो कहते हैं ये तो बहुत ऑसम मोमेंट था यार। ओके, सबरतम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं गेमर फ्लीट के बारे में। तो आज ही गेमर फ्लीट का फ्लीट एसएमपी का न्यू एपिसोड आने वाला था, बट उन्होंने आज डाला नहीं, उसकी जगह उन्होंने यार लेले विल का एपिसोड डाल दिया। तो ऐसा क्यों हुआ इसी के बारे में यार बात करते हुए आज के यार लेले विल के एपिसोड में यार वो बात करते हैं कि उनका फ्लीट एसएमपी का वीडियो कब तक आएगा। बाकी वो क्या कुछ कहते हैं तुम लोग खुद ही देख लो। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो, जो भी नहीं सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार देखो 10,000 बचते हैं, जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। एंड आई नो तुम लोग सोच रहे हो फ्लीट एसएमपी की वीडियो देखनी थी भाई, 4,000,000 स्पेशल, ऐसा तगड़ा एपिसोड बनाया ना भाई, रेडी रहो, एडिटिंग कर रहा है उसकी, ऐसा एपिसोड मिलेगा ना तुम्हें 4,000,000 पे। तो जल्दी है सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, वो होगा हमारा 4,000,000 स्पेशल एकदम खतरनाक वाला वीडियो। बाकी चलते हैं भाई फटाफट से जाके देखते हैं लिली विल में क्या हो रहा है। ओके, सबरतम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं कैरमिनाटी के बारे में। तो जैसा कि ऑलरेडी अर्थ में पता ही है कि कैरमिनाटी ने अपने चैनल पे बहुत ज्यादा टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो आज ही कैरमिनाटी इसका थोड़ा सा अपडेट देते हैं, एंड उन्होंने अपने चैनल के ऊपर में एक कॉमेडी पोस्ट किया जिसमें वो कहते हैं हेलो हेलो, इनएक्टिव होने के लिए माफी, वीडियो पे काम चल रहा है और मानो ना मानो साथ में
पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो बाकी यार तुम्हारा क्या कुछ कर रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके सुपर, तो मैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो बात कर लेते हैं मिस्टर फ्लांस जी के बारे में। तो बहुत ज्यादा टाइम के बाद में और मिस्टर फ्लांस जी के चैनल पे हिमलैंड की न्यू वीडियो आ चुकी है एंड ऑल्सो उस वीडियो पर उनको बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स भी मिला। तो ऑल्सो इससे रिलेटेड बात करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर में एक स्टोरी डाली एंड वो कहते हैं 40k व्यूज इन 1 आवर बेबी थैंक यू गाइस एंड ऑल्सो एज यूजुअल उस वीडियो पे फ्लांस जी को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा था बिकॉज तुम्हें पता ही यार कि फ्लांस जी जो है वो हिमलैंड्स के नेगेटिव कैरेक्टर है। तो ऑल्सो मैं तुम्हें यार कुछ कमेंट्स में पढ़ के दिखा देता हूँ उसी वीडियो से। व्हाई यू हैव डिस्ट्रॉयड हिमलैंड्स ही नॉट ब्रोक हिमलैंड्स फॉल ही हैज ब्रोकन अवर इमोशंस फ्लांस जी तुम्हें अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ 40 ID से अबे नूबड़े तू क्यों हिमलैंड्स के बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है फलाने फलांस इज बैड एंड कुछ और भी कमेंट्स लाइक व्हाई यू डिस्ट्रॉयड मेन हिमलैंड्स फलाना यादें जुड़ी हुई है हिमलैंड से तुमने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया एंड कुछ और भी कमेंट्स लाइक भाई यार तुम उनके अगेंस्ट क्यों हो बेचारे हिमलैंड्स को बचाना चाहते हैं और तुम ऐसा मत करो यार दिल से बुरा लगता है। अब तुम्हारा क्या कुछ कहना है यार इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ऑल्सो फ्लांस जी ने यार एक और भी तगड़ी से अनाउंसमेंट करी लाइक जैसे कि तुम्हें पता ही है कि हिमलैंड्स की वीडियो जो है फ्लांस जी की वो बहुत ज्यादा टाइम टाइम के बाद आती है लाइक काफी ज्यादा लेट आती है। तो उसी वाली वीडियो के पिन कमेंट में उन्होंने अपने कमेंट को पिन किया जिसमें वो कहते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। सो यार अब हिमलैंड्स की ये जो वीडियो है फ्लांस जी की वो भी अब काफी जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ओके सुपर, तो मैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो बात कर लेते हैं ड्रीम बॉय के बारे में। तो तुम्हें पता होगा यार कि ड्रीम बॉय लाइव स्ट्रीम नहीं करते सिर्फ कभी कभी स्मार्टीफाई करते हैं या फिर कभी कभी यार एज़ियो टिनिप करते हैं। तो कल जब एज़ियो टिनिप अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे ड्रीम बॉय के साथ में तो वहीं पर वो बताते हैं कि ड्रीम बॉय अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करते। बाकी वो क्या कुछ कहते हैं तुम लोग खुद ही सुन लो। ड्रीम बॉय लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर पा रहा बिकॉज मैं अभी बताता हूँ कि इसका पीछे ये हंस रहा है हराम को पीछे से पर इसके पीछे एक रहस्य ये है ये हरामी है आलसी ना। एक होता है नॉर्मल इंसान और एक होता है आलसी इंसान और वो जो आलसी इंसान है ना आलसी इंसान वो भी ड्रीम बॉय नहीं है बिकॉज वो आलसियों का बाप है बाप। And also next news भी Dream Boy से related है। तो क्या Dream Boy ने ऐसे भी टिनिप को copy किया है? तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो कल ही Dream Boy ने अपने चैनल के ऊपर में यार Minecraft की न्यू रिएक्शन वीडियो को अपलोड किया जिसमें यार वो रिएक्ट कर रहे थे Minecraft के कुछ रेज मूवमेंट्स पे। And also उसी वाली वीडियो में Dream Boy ने एक वर्ड को यूज किया था जो कि वर्ड था अनमरेबल ड्रीम बॉय। एंड अगर तुम ऐसे टिनिप के रेगुलरली वीडियो देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि ऐसे टिनिप इस वाले वर्ड को यूज करते हैं अनमरेबल एजियो करके। तो ऑल्सो कल यार जब ऐसे टिनिप अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो ऑल्सो वो इसी चीज के लिए ड्रीम बॉय को रोस्ट कर देते हैं कॉपी करने के लिए। बाकी वो क्या कुछ कहते हैं तुम लोग खुद ही देख लो। अनफुटेबल है भाई ये भी ड्रीम बॉय की तरह अनमरेबल है। सो अगर ए ड्रीम बॉय अनमरेबल कब से हो गया भाई? ड्रीम बॉय अनमरेबल है ब्रो। अनमरेबल नहीं ड्रीम बॉय चोर है मेरा अनमरेबल का टैग है भाई ये चोर तुम सिस्टम फाड़ दोगे वाला है। व्हाट 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 क्या कर क्या रहे ये बेसिकली व्हाट इज दिस अभी पकड़ा गया भाई पकड़ा गया अनमरेबल बोलता है अपने आपको भाई इस वर्ल्ड का वर्ड का यूज करना मतलब क्या होता है मालूम है कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा आपके ऊपर स्ट्राइक मैं स्ट्राइक मार रहा हूँ भाई। गॉड प्लीज अरे सर आप लोड हो सर सर आपका पेटेंट है सर। मेरा पेटेंटेड है भाई अनमरेबल एजियो। इसके बाद में टेक्नो गेमर्स की न्यू वीडियो वॉच की है बल्कि की न्यू वीडियो वॉच की है बीस्ट बॉशअप का जापान का न्यू ब्लॉग आ चुका है तो सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यार बस अभी के लिए इतनी न्यूज थी जो भी न्यूज मिलेगी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। न्यूज सबमिशन की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जाके न्यूज सबमिट करना एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पिसा।